नमस्कार दोस्तों, VinIAS के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मैं आशीष मिश्रा स्वागत करता हूँ। आप सभी को ये मालूम होगा कि हमारी चर्चा भारतीय संविधान के संविधान सभा को लेकर हो रही थी और हमने कई सारे प्रश्नों को, लगभग 45 प्रश्नों को कवर कर लिया था। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैंने आपसे इसके डिस्कशन में एक प्रॉमिस किया था कि आपको मैं जब अपनी चर्चा करूंगा तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ था, होते हैं उनमें से एक निर्णय को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। चलिए अब मैं उसी एक निर्णय की बात कर लेता हूं। जैसा कि आपने पहले निर्णय की अगर बात करूँ मैं, मतलब आज एक ही निर्णय की बात करूँगा, ऐसा मत सोचिएगा कि सारे निर्णय आज ही पढ़ा दूंगा। बस ये ध्यान दीजिए, पहला निर्णय है AK गोपालन बाग। AK गोपालन बाग 1950 में हुआ था। 1950 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इस आधार पे आया क्योंकि उसके पास ऐसी याचिका दी गई कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके उस पर कई सारी कार्यवाही की जाती है, उसमें अनुच्छेद 20 और 21 के तहत ऐसा प्रतीत होता है उसको कि उसके कहीं ना कहीं व्यक्तिगत एवं जीवन जीने के अधिकार का हनन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला जाता है और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अपनाई गई है किसी व्यक्ति को, अब देखिए गिरफ्तारी के संबंध में अपनाई गई थी, गिरफ्तारी एवं निरोध का प्रावधान किया गया है 20 और 21 में, गिरफ्तारी। अब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया तो ये देखा जाएगा कि उस व्यक्ति में गिरफ्तारी विधि के अनुसार की गई है कि नहीं। अगर विधि के अनुसार उसकी गिरफ्तारी की गई है तो गिरफ्तारी सही मानी जाएगी, भले ही व्यक्ति की क्या हो रही है, उसके मूल अधिकार का हनन हो रहा है, जीवन जीने के अधिकार का हनन हो रहा है, आर्टिकल 21 का हनन हो रहा है, तब भी विधि द्वारा की गई गिरफ्तारी को AK गोपालन बाग ने सही माना था और इसमें प्राथमिकता की क्या दे दी थी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया सर्वमान्य है। मतलब संसद जो विधि बनाएगी उस पे हम मौलिक अधिकार को क्या रखेंगे, कम रखेंगे, और विधि को, संसद की जो विधि है उसको ऊपर रखेंगे, यही बात होती है। लेकिन आगे चल के आपको एक केस पता होगा, मेनका गांधी बात बोलते हैं उसको, 1978 में हुआ था, जिसके तहत ये कहा गया कि नहीं, केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को नहीं देखा जाएगा बल्कि ये भी देखा जाएगा कि व्यक्ति की गरिमा का हनन तो नहीं हुआ है। विदेश में जाने, जैसे मेनका गांधी बात का जो उदाहरण है उसमें ऐसा मिलता है कि वो विदेश जा रही थी लेकिन उनके पासपोर्ट को रख लिया जाता है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसी आधार पे फिर वो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचते हैं और तब सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय देता है, कहता है कि हम विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को ही बस चेक नहीं करेंगे, हम ये भी चेक करेंगे कि विधि की न्यायोचित प्रक्रिया अपनाई गई है कि नहीं, विधि की यथोचित प्रक्रिया अपनाई गई है कि नहीं, अर्थात प्राथमिक सिद्धांत का पालन किया गया है कि नहीं। तो फिर वो मामला अलग है, उसकी हम भी चर्चा करेंगे, लेकिन AK गोपालन बाग में बस इतना मानिए कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को सर्वमान्य माना गया। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, किस संविधान से ली है, तो जापान के संविधान से हमने इस चीज़ को स्वीकार किया है। चलिए आप ये सब चर्चा पे छोड़ते हैं और अपने प्रश्न पे आते हैं जिस पे हमारी चर्चा चल रही थी, संविधान सभा को लेके। हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे जहाँ पर हमने अपनी चर्चा को छोड़ी थी और हमारा प्रश्न है, संविधान सभा के दौरान कुल कितने सत्र आयोजित किए गए। प्रश्न है हमारा, फैक्ट के आधारित प्रश्न है, आपको बताना है संविधान सभा के दौरान कितने सत्र आयोजित किया गया। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 114, ऑप्शन बी 211, ऑप्शन सी 11 या ऑप्शन डी 141। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 11। इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। देखिए संविधान सभा की कुल 11 सत्रों में बैठक होती है। सबसे पहला सत्र मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 के बीच हुआ था। लेकिन अंतिम सत्र कब हुआ था, अंतिम सत्र हुआ था आपका जो नवंबर 1949 के टाइम था, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ पा रही है, बस आप ध्यान रखिए कि अंतिम सत्र ऑब्वियसली बात है कब हुआ होगा, जब अंतिम बैठक हुई होगी उस दौरान। अब इन सत्रों के बीच में टोटल कितनी बैठक होती है, तो 141 बैठक आयोजित की जाती है संविधान सभा के दौरान। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है, लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आता है। कई सारे विद्वानों ने संविधान सभा की आलोचना के लिए कई सारे मत भी दिए हैं, जैसा कि हमने पिछली क्लास में देख लिया था। यहाँ पर बात हो रही थी कितने सत्र हुए थे, तो 11 सत्र हुए थे।
अगले प्रश्न पे आते हैं। संविधान सभा में आजादी के उपरांत रियासतों से 70 सीट निर्धारित की गई थी, उनमें से सबसे ज्यादा सीट किस रियासत के अधीन थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये प्रश्न बहुत ही डीप लेवल का प्रश्न है। अभी पीएससी किसी भी परीक्षा में अभी इस प्रकार के प्रश्न पूछे नहीं गए हैं, लेकिन हो सकता है कि आगे ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाए। अगर जो एग्जामिनर है कठिन प्रश्नों की श्रेणी आपके सामने प्रस्तुत करेगा तो हो सकता है पूछ ले, लेकिन अगर आपको सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं उसमें ऐसी चीज़ों का आप जिक्र कर सकते हैं तो वो भी आपके लिए मददगार होगा। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन है मैसूर, ऑप्शन बी त्रावणकोर, ऑप्शन सी पश्चिम भारत राज्य समूह या ऑप्शन डी मध्य भारत राज्य समूह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मैसूर। मैसूर से उस टाइम पे 7 सीटें निर्धारित की गई थी जो कि रियासतों की 70 सीटों में सबसे ज़्यादा थी। मैसूर से 7 सीटें निर्धारित की गई थी। त्रावणकोर की अगर बात करें तो त्रावणकोर से 6 सीटें निर्धारित की गई थी। त्रावणकोर के बारे में आपको कहानी पता ही होगा कि जब ये घोषणा हुई थी कि भारत को आज़ादी मिल रही है और देसी रियासतों के अधिकार दे दिया जा रहा है कि वो स्वतंत्र रहेंगी, अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर सकते हैं, तो त्रावणकोर ने सबसे पहले अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। त्रावणकोर कहाँ पर है? तो केरल, केरल का जो तट है वहाँ पर त्रावणकोर का राज्य था। यहीं का एक आपने राजा सुना होगा कि जब वास्को डी गामा आया था तो यहाँ पर एक राजा शासन कर रहा होता है जमोरिन, तो उसका स्वागत करता है, तो त्रावणकोर वाले एरिया में ही शासन कर रहा होता है। अगला है पश्चिम भारत राज्य समूह की बात करें तो इस यहाँ पर जो सीटें संख्या थी वो 4 थी, और मध्य भारत राज्य समूह जिसमें आपका आपका ग्वालियर और इंदौर वाला क्षेत्र आता था इससे हमारी 3 सीटें निर्धारित थी। तो अब आपको यहाँ प्रश्न का उत्तर तो मिल ही गया होगा, तो सही प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मैसूर। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए एलन मुखर्जी, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर। कुछ लोगों के मन में भीमराव मोहम्मद अली जिन्ना भी आ रहे होंगे, बड़ा ही दुख होता होगा कुछ लोगों को ये सुन के, अरे मोहम्मद अली जिन्ना काश भारत का बंटवारा ना किया होता तो बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग भारत में ही रहे आते, ऐसे कुछ बातें होती है। और अखंड भारत की जो संकल्पना थी वो भी टूटती नहीं, ऐसे कई सारे विद्वानों का मत है और जो स्टूडेंट है वो भी यही चाहते हैं, पढ़ते पढ़ते ऐसा लगने लगता है कि नहीं यार भारत को अलग नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्रिकेट मैच देखते होंगे तो बहुत अच्छे अच्छे लोग देखने को मिल जाते हैं तो उनको लगता होगा कि नहीं यार भारत को अलग नहीं होना चाहिए, ऐसे कुछ है। हमारे बीच में ऐसे बातें आई थी तो मैंने कहा आपसे भी बात कर ली जाए। हालांकि चलिए अपने चैप्टर पे आते हैं और हमारा जो प्रश्न था उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जुलाई व अगस्त 1946 में हुए संविधान सभा के चुनाव में मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस को क्रमशः कितने सीटें मिली? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 73-296, ऑप्शन बी 208-73, ऑप्शन सी 73-208, ऑप्शन डी 292-04। इसका सही जवाब होगा 73-208। देखिए क्रमशः पूछा है, क्रमशः कितनी सीटें मिली, ये नहीं पूछा है किसको कौन से कितनी सीटें मिली, क्रमशः हमें पूछा है तो हमको बताना है मुस्लिम लीग कितनी सीटें जीत के आई थी 73, और 208 सीटें कौन जीता था कांग्रेस ने। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगले प्रश्न में आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? शायद आपने अगर पिछली क्लास को ध्यान से सुना होगा तो उसमें मैंने इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया भी था। अब आपको बता रहा है कि इसका सही जवाब क्या होगा। जैसे हमारे ऑप्शन है एलन मुखर्जी, ऑप्शन बी गोपीनाथ बारदोलाई, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल या ऑप्शन डी जे बी कृपलानी। इसका सही जवाब होगा गोपीनाथ बारदोलाई। गोपीनाथ बारदोलाई का संबंध असम से माना जाता है, असम से, और इनके सम्मान में जो असम के गुवाहाटी में एयरपोर्ट है, गुवाहाटी एयरपोर्ट, उसका नाम गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट रखा गया है। असम के ये मुख्यमंत्री भी बनते हैं। तो ये कुछ खास बात हो गई किसके बाद, गोपीनाथ बारदोलाई की बात। अभी उत्तर पूर्वी सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए उप समिति बनी थी, ये जो मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक 22 क्षेत्रों के लिए समिति बनी थी उसके अधीन थी, मतलब जो सरदार पटेल के अधीन समिति बनी थी उसके अधीन ये उप समिति थी।
अगला प्रश्न करते हैं। अगर हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन के उपरांत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार से चुनकर लोगों को शामिल किया जाए। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए फैजपुर अधिवेशन, ऑप्शन बी लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन सी कराची अधिवेशन या ऑप्शन डी लाहौर अधिवेशन। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि वयस्क मताधिकार को, संविधान सभा में दौरान कहा था कि वयस्क मताधिकार को अगले 15 वर्ष तक बढ़ा देते हैं कि नहीं करेंगे। लेकिन 1936 में ही एक अधिवेशन हुआ था, कौन सा अधिवेशन? लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन हुआ था जिसमें ये कहा गया कि जवाहरलाल नेहरू ने अपना मत दिया कि एक संविधान सभा चुनी जानी चाहिए भारत में, जो भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण करेगी और इसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से ना होकर के प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुन के लाया जाए, अर्थात वयस्क मताधिकार को लाया जाए। वयस्क मताधिकार जैसे अभी लोकसभा का चुनाव होगा, है ना, और जैसे विधानसभा का चुनाव होता है तो हम जैसे वोट देने जाते हैं, सेम वैसे ही इन्होंने बात कही थी किसमें? लखनऊ अधिवेशन के दौरान। अगले प्रश्न पे आते हैं, संविधान लागू होने के दौरान कितने सदस्यों के हस्ताक्षर किए गए थे? अब संविधान लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन उसके पहले 24 जनवरी 1950 को एक बैठक होती है, अंतिम बैठक कहलाती है संविधान सभा की, और उस बैठक के दौरान संविधान में 284 व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 284। इसमें 9 महिलाएं थी, 9 महिलाएं शामिल थी। अगले प्रश्न में आते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, संचालन समिति संविधान सभा में की अध्यक्षता किसने की थी? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन डी के एम मुंशी। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। यहाँ पर पूछा है संचालन समिति, अब बताइए संचालन कौन करवाएगा? थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, संचालन कौन करवाएगा? जिसके पास पूरा दायित्व तो हो कि भैया यहाँ पर आपको बैठना है, यहाँ से उठना है, यहाँ पर आपको ये अभी बोलना है, आपको इसके बाद बोलना है, ये सब क्रम कौन निर्धारित करता है? आज के समय में अगर देखा जाए, संसद की अगर बात की जाए, तो कौन देखता है? लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति? अब बताइए, जब संविधान सभा चल रही थी तो उस समय संविधान के संचालन, संविधान सभा के संचालन का कार्य किसको सौंपा गया था? उसके अध्यक्ष को। अब अध्यक्ष कौन था उस टाइम पे? राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संचालन समिति का राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, एक और समिति बनी थी उस टाइम पे, उसको बोलते हैं कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति अलग है और संचालन समिति अलग है। संचालन समिति ऐसे समझिए कि जो संविधान सभा को संचालित करेगा, और कार्य समिति वो होती हैं जो कार्यों को, संविधान के अंतर्गत जो कार्य हो रहे हैं उनको संचालित करने के लिए, संगठित करने के लिए जो संचालित की जाएगी वो अलग है। उसकी अध्यक्षता की थी के एम मुंशी ने, लेकिन यहाँ पर पूछा है संचालन समिति। बिल्कुल भी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि के एम मुंशी के पास क्या थी? कार्य संचालन समिति। तो ऐसा ना हो कि आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएं और मेरे को ही दोषी करार कर दे, है ना, आप लोग आजकल न्यायालय के निर्णय पढ़ रहे हैं, कहीं मेरे को ही दोषी करार कर दे कि भैया आपने गलत बताया था, हमारा इसकी वजह से गलत हो गया। तो बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होना है, इसलिए मैंने आपको इस चीज़ का साफ साफ बता दिया है। आगे चले, अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संघ शक्ति समिति किसके अधीन थी? संघ शक्ति समिति किसके अधीन थी? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन डी के एम मुंशी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए, संघ आ जाए, संघी आ जाए, तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और आप सीधा किसके ओर चले जाइएगा? जवाहरलाल नेहरू के ओर। बिल्कुल सही होगा, संघ हो गया, संघी हो गया, राज्यों से समझौता समिति हो गया, इन सब की अध्यक्षता कौन कर रहा था? जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप संविधान जांच समिति जो थी उसकी अध्यक्षता भी कौन कर रहा था? जवाहरलाल नेहरू। तो मैंने क्या क्या बता दिया? संघ हो गया, संघीय संविधान समिति हो गया, आपका राज्य समझौता समिति हो गया, इसके अतिरिक्त आपका प्रारूप संविधान जांच समिति हो गया, इन सब की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। बी आर अम्बेडकर के बारे में बताइए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद के कई सारे इनके अधीन भी समितियाँ थी, जैसे राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति, फिर इसके अतिरिक्त आपका कार्य जो कार्य संचालन संचालन समिति इनके साथ थी, फिर तीसरी थी प्रक्रिया नियम समिति, फिर देशी रियासत समझौता समिति। ध्यान दीजिएगा, देशी रियासत समझौता समिति किसके अधीन थी? राजेंद्र प्रसाद के। राज्य समझौता समिति किसके अधीन थी? जवाहरलाल नेहरू।
लेकिन देसी रियासत समझौता समिति किसके अधीन थी? राजेंद्र प्रसाद। इसके अतिरिक्त कर्मचारी या स्टाफ समिति किसके अधीन थी? राजेंद्र प्रसाद। ये कुछ बात हो गई किसके बारे में, जो संविधान सभा के दौरान जो संविधान समितियां गठित हुई थी उनके बारे में, के एम मुंशे के अंदर थी कार्य संचालन समिति। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसके माध्यम से की गई? हमारे ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर आपको पता है 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन गुजरात में एक मूर्ति स्थापित की गई थी जिसको बोलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो विश्व की सबसे ऊंची क्या मानी जाती है? स्टैचू मानी जाती है। L&T कंपनी ने उसको बनाया था। विश्व की सबसे ऊंची आपकी स्टैचू मानी जाती है किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। कहां पर स्थापित है? गुजरात में। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के किस सदस्य को पद पर रहते मौत हो गई थी? प्रारूप समिति के किस सदस्य की पद पर रहते मौत हो गई थी? हमारे ऑप्शन है श्री प्रसन्न देव रैकुट, BL मित्र, ऑप्शन सी DP खेतानी, ऑप्शन डी N माधव राव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी DP खेतानी। DP खेतान 1948 में इनकी डेथ हो जाती है और इनकी जगह आते हैं कौन? TT कृष्णमाचारी। TT कृष्णमाचारी इनकी जगह में आते हैं। अब देखिए, श्री प्रसन्न देव रैकुट का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई भी परीक्षा थी, कोई परीक्षा बहुत कठिन लेवल पे पूछी जाती है तो उसके लिए है। जब पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को, तो सभापति ने एक संबोधन के द्वारा एक व्यक्ति को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। वो व्यक्ति कौन थे? श्री प्रसन्न देव रैकुट। प्रसन्न देव रैकुट बंगाल से चुनकर आने वाले थे, कौन? एक सदस्य थे संविधान सभा के लिए। लेकिन वहाँ पर आने से पहले ही उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो उसी दिन उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए शोक संदेश पढ़ा जाता है किसके? उसमें प्रसन्न देव रैकुट के संबंध में। तो आप थोड़ा सी चीज़ इसके बारे में भी जानकारी रखिए। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 29 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947, ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947 या ऑप्शन डी 31 अगस्त 1947। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 29 अगस्त 1947। और आपको प्रारूप समिति के बारे में मैंने काफ़ी चीज़ें बता भी दी हैं कि प्रारूप समिति 7 सदस्यीय समिति थी जिसका मुख्य काम क्या था? कि संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना। इसको ड्राफ्ट कमेटी भी बोलते हैं, मसौदा कमेटी भी बोलते हैं, अध्यक्षता BR अम्बेडकर ने। और इसी ने ही सबसे पहले अपनी प्रस्ताव को पेश किया किसके? संविधान सभा में, ताकि संविधान अपना क्या ले सके? मूर्त रूप ले सके। तो कब गठित की गई थी ये समिति? 29 अगस्त 1947। ये प्रश्न पूछा जा चुका है इसलिए आपके समक्ष रखा गया है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में स्थापित समिति में सबसे बड़ी समिति कौन सी थी? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए मौलिक अधिकारों के अल्पसंख्यकों पर समिति, ऑप्शन बी प्रारूप समिति, ऑप्शन सी देसी रियासत समझौता समिति, ऑप्शन डी संघीय संविधान समिति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों पर समिति। यह समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता के अधीन थी। इस पर कई सारी उप समितियों का गठन भी किया गया था जैसा कि मैंने आपको बता दिया था। प्रारूप समिति डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर के अधीन की थी, 7 सदस्य थी। देसी रियासत समझौता समिति राजेंद्र प्रसाद के अधीन थी और संघीय संविधान समिति आपकी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के अधीन। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति तथा नागरिकता पर तदर्थ समिति की अध्यक्षता किसने की थी? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए नलिनी रंजन सरकार, ऑप्शन बी S बरदाचारी, ऑप्शन सी AV ठक्कर या ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। बड़ा ही शानदार प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति एवं नागरिकता पर तदर्थ समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा S बरदाचारी। के बारे में और अगर खास बात की जाए तो ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ध्यान दीजिएगा, ये संविधान सभा के
सदस्य नहीं थे, फिर भी इनको दिया गया था, ये प्रभाग दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि ये इस क्षेत्र में क्या थे, स्पेशलाइजेशन में थे, इनको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मालूम थी, इसलिए इनको शामिल किया गया था। तो संविधान सभा के सदस्य ना होते हुए भी संविधान की समितियों में इनको अध्यक्ष बनाया गया था। तो प्रश्न अगर कोई भी पीसीएस या कोई भी वन डे एग्जाम वाले ऐसा पूछ ले कि बताइए कि संविधान सभा में जो समितियाँ बनी थी उनके संबंध में कौन से कथन सत्य हैं, प्रश्न ऐसा दे दिया गया, इसके सभी सदस्य जो है संविधान सभा से बिलोंग करते थे, इसमें कुछ सदस्यों को संविधान सभा के बाहर से भी शामिल किया गया था, या फिर ऐसे कुछ बना दिया जा सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि हाँ इसमें संविधान से बाहर के सदस्यों को भी शामिल कर लिया जाता था। अगला प्रश्न है, नलिनी रंजन सरकार का संबंध किससे है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए संघीय संविधान के लिए वित्तीय समिति, ऑप्शन बी संघीय समिति, ऑप्शन सी वित्त एवं कर्मचारी समिति, या ऑप्शन डी प्रत्यायक समिति। प्रत्यायक समिति, इसको क्रेडेंशियल समिति बोलते हैं। क्रेडेंशियल कमेटी भी बोलते हैं। आपको बताना है नलिनी रंजन सरकार का संबंध किससे है। सबसे पहले तो यही जाने रखिए कि नलिनी रंजन सरकार का संबंध किससे है, तो संविधान सभा से है। फिर दूसरा, इनकी किसकी अध्यक्षता गठित की गई थी, तो जो संविधान संघीय संविधान के लिए वित्तीय समिति थी उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। संघीय संविधान की जो समिति थी उसकी अध्यक्षता की थी किसने? आपके जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन संघीय संविधान के लिए वित्तीय समिति की अध्यक्षता कौन करता? नलिनी रंजन सरकार। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बी पट्टाभी सीतारमैया के अधीन कौन सी समिति गठित की गई थी? हमारे ऑप्शन है हाउस कमेटी, ऑप्शन बी मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए, ये प्रांत है, यहाँ पर माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा गलतियाँ हैं, टाइपिंग मिस्टेक है, मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति गठित की गई थी। तो अब ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी कोई नहीं, उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। बी पट्टाभी सीतारमैया के बारे में अगर बात की जाए तो ये आगे चल के मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल भी बनते हैं, सबसे छोटा कार्य राज्यपाल के रूप में कार्यकाल इन्हीं का रहता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में आयोजित 11 सत्रों में सबसे छोटा सत्र कौन सा था? पहला सत्र, 11वां सत्र, 6ठा सत्र, या 4था सत्र? इसका सही जवाब हो जाएगा 6ठा सत्र। टोटल 11 सत्र हुए थे, उसमें 6ठवां सत्र सबसे छोटा था, और ये हुआ था 27 जनवरी 1948 को छठा सत्र का आयोजन किया गया था। अगले प्रश्न में आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आजादी के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में तीन सबसे बड़े सदस्य वाले प्रांत कौन से थे? क्रमशः बताना है कि कौन से प्रांत थे जहां पर सर्वाधिक सीटें आवंटित की गई थी। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार संयुक्त प्रांत बरार, ऑप्शन बी संयुक्त प्रांत मद्रास बिहार, ऑप्शन सी मद्रास बिहार संयुक्त प्रांत, ऑप्शन डी संयुक्त प्रांत बिहार मद्रास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी संयुक्त प्रांत मद्रास और बिहार। इसमें अगर बात की जाए तो 55 सीटें संयुक्त प्रांत से, 49 सीटें मद्रास से, और 36 सीटें आपकी बिहार से निर्धारित की गई थी। अब बिहार राज्य की अगर बात की जाए तो आज जिस दिन मैं आज लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज बिहार दिवस मनाया जाता है। आज के दिन, आज है आपकी डेट है 22 मार्च, और 22 मार्च को ही 1912 में 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य बना था। बिहार राज्य 22 मार्च को बिहार राज्य दिवस मनाया जाता है। ये बात हो गई कुछ हमारी किस पे, आज़ादी के उपरांत संविधान सभा में कौन से बड़े प्रांत थे। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा प्रश्न है 64 का, यद्यपि संविधान को 26 नवंबर 1949 को निर्मित किया जा चुका था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया क्यों? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई सारे लोगों को व्यक्तियों को मालूम भी होगा। अब आपको बताना है क्यों, क्योंकि 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता था, ठीक है। ऑप्शन बी क्योंकि 26 जनवरी भारतीय इतिहास की गौरव गाथा को बताता था, ठीक है।
ऑप्शन सी 26 जनवरी की पौराणिक महत्व था, या फिर डी संविधान सभा के सदस्यों को 26 जनवरी की तारीख बहुत पसंद आई थी। अरे शानदार तरीके का ऑप्शन है, आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में मालूम होगा कि 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता था। क्यों मनाया जाता था? क्योंकि लाहौर में 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। उन्होंने कहा था कि आगे चल के हम अगले वर्ष से, मतलब 1930 से 26 जनवरी के दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया करेंगे। तो 26 जनवरी अपने आप में महत्वपूर्ण तारीख हो जाती है, और इसी उपलक्ष्य में 1930 में पहली बार रावी नदी तट पर झंडा फहराया गया। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान को लागू किया, और उस डे को प्रमुखता को सिद्ध करते हुए, उस डे की महत्वता को सिद्ध करते हुए, फिर 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने लगे। अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन डी के एम मुंशी। कार्य संचालन समिति, मैंने इसके बारे में आपको बता भी दिया है, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? के एम मुंशी। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के, और सब जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपको मालूम ही है। आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अधीन किसी किस समिति के अध्यक्षता की थी? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए संचालन समिति, ऑप्शन बी प्रक्रिया नियम समिति, ऑप्शन सी स्टाफ समिति, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अधीन कौन सी समितियां स्थापित थी? तो संचालन समिति, प्रक्रिया नियम समिति, स्टाफ समिति, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका उपयुक्त सभी। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे, अध्यक्ष के पास तो यही नियम, यही समितियाँ होंगी। क्या होंगी? संचालन करवाना, कि संविधान की पूरी कार्यवाही बेहतर रूप से क्रियान्वित हो सके। दूसरी प्रक्रिया, कि कौन कब बोलेगा, कब उठेगा, कब बैठेगा, कितने बजे आएगा, कब सत्र अवसान होगा, कब सत्र आहूत होगा, ये होती है। फिर क्या होगी? स्टाफ, कि जो काम करने वाले हैं, सचिव है, अपर सचिव है, उप सचिव है, उन सबके काम को कैसे, मार्शल्स हैं, उनको कैसे काम सौंपे जाएंगे, ये बात कहाँ पर की गई? स्टाफ समिति में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न पे आते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के अधीन कौन या कौन कौन से समितियां स्थापित की गई थी? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए संघ संविधान समिति, ऑप्शन बी संघ शक्ति समिति, या ऑप्शन सी प्रारूप संविधान की जांच समिति, या डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। देखिए, जवाहरलाल नेहरू के विषय में हमने बातें काफ़ी सारी कर ली हैं, उनके अधीन कौन कौन सी समितियाँ थी, उन समितियों का क्या काम रहता था, उन पे भी हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। सीधे अपने उत्तर पे आते हैं, इसका क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए एस के धर, ऑप्शन बी एस वरदाचारी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका उत्तर। इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए, एस के धर के अधीन थी क्या? प्रांतीय आयोग। प्रांतीय आयोग किसके अधीन था? एस के धर। संविधान सभा के अधीन जो समिति बनी थी उसमें ही कौन थी? आपकी प्रांतीय आयोग। प्रांतीय आयोग में ही चुने गए थे अध्यक्ष के रूप में एस के धर। एस वरदाचारी के अधीन सर्वोच्च न्यायालय की तदर्थ समिति और नागरिकता संबंधी तदर्थ समिति स्थापित थी। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये तीनों भी सदस्य नहीं थे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। हालांकि इन लोगों ने अपना संविधान सभा में योगदान तो दिया है, लेकिन महात्मा गांधी का योगदान नहीं रहा है। इनका एक कथन ही बहुत प्रसिद्ध हुआ था कि जो संविधान सभा है वो सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है, और उसमें क्या हुआ है कि एक बेहतर रूप से कार्य करने के लिए सृजित की गई है। ये किसने कहा था? आपके महात्मा गांधी ने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न पे आते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, अवधेश प्रताप सिंह शंभुनाथ शुक्ल ने संविधान सभा में कहाँ से प्रतिनिधित्व किया था? इसका सही जवाब हो जाए, पहले इसके ऑप्शन पे आते हैं। पहले हमारे ऑप्शन, ऑप्शन ए भोपाल से, ऑप्शन बी विंध्य प्रदेश से, ऑप्शन सी बरार से, ऑप्शन डी बघेल खंड से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी
विंध्य प्रदेश के जो पहले राज्य प्रमुख बने थे वो भी आपके अध्यक्ष प्रताप सिंह बने थे। शंभुनाथ शुक्ल भी बहुत फेमस नाम है जो बुंदेलखंड के आपके प्रमुख बने थे। इन दोनों का चुनाव कहाँ पर हुआ था? संविधान सभा में हुआ था। कहाँ से हुआ था? विंध्य प्रदेश से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश से दो सीटें आरक्षित की गई थी, दो सीट। तो यही बात हो गई किसमें, आपके इस प्रश्न पे। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजकुमारी अमृत कौर को आज़ादी के उपरांत गठित अंतरिम सरकार में किस विभाग की अध्यक्षता सौंपी गई? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए खाद्य एवं कृषि विभाग, ऑप्शन बी स्वास्थ्य विभाग, ऑप्शन सी शिक्षा विभाग, ऑप्शन डी गृह विभाग। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्वास्थ्य विभाग। अब देखिए, जो अमृत कौर थी, राजकुमार अमृत कौर, ये कपूरथला की राजा की बेटी थी। अब इनका जो चुन के संविधान समय में चुन के आने वाला क्षेत्र था वो था सीपी एवं बरार। सीपी एंड बरार से चुन के आई थी संविधान सभा में। जब दूसरी बार अंतरिम सरकार गठन होता है आज़ादी के उपरांत, अब ये जो अंतरिम सरकार चुनी जाती है आज़ादी के उपरांत चुनी जाती है, उसमें राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य विभाग सौंपा जाता है और एकमात्र महिला होती हैं जो किसी अंतरिम सरकार में शामिल होती हैं उस टाइम पे। आज तो चलिए, आज भारतीय राजनीति में इस प्रकार से परिवर्तन हो चुका है कि जो नारी बंधन विधेयक आया है, अधिनियम आया है, नारी बंधन शक्ति अधिनियम 106वां संविधान संशोधन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसके तहत 33% महिलाओं को आरक्षण की बात करता है। कहाँ पर? विधानसभा में और आपकी लोकसभा में। लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण की बात करता है 106वां संविधान संशोधन विधेयक कानून। पहले देखिए, शुरू शुरू में केवल एक महिला शामिल हुई थी अंतरिम सरकार में, लेकिन अभी ऐसा व्यवस्था की जा रही है और अगले परिसीमन से इसको लागू कर दिया जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार की अध्यक्षता किसने की थी? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी फ्रैंक एंथोनी, ऑप्शन सी सर क्लाइड अशिनलेक या ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर क्लाइड अशिनलेक। सर क्लाइड अशिनलेक उस टाइम पे अंतरिम सरकार के अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू इसके क्या थे? उपाध्यक्ष थे। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भाषाई प्रांत आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी एस के धर, ऑप्शन सी फजल अली, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एस के धर। देखिए हुआ क्या था कि भाग जो भारतीय आज़ादी के उपरांत कई सारे रियासतों को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया, लेकिन कुछ बड़े बड़े राज्य थे वहाँ पर भाषा के आधार पर ये डिमांड होने लगी कि अलग राज्य की मांग होने लगी कि हमारे अलग राज्य बना दिए गए। दक्षिण भारत में मुख्य रूप से ये मांग उठ रही थी, तेलुगु भाषी लोग अपनी मांग लेके उठे थे। इसी के लिए एक समिति गठित की गई एस के धर की अध्यक्षता में, जो संविधान सभा के दौरान ही गठित की गई। ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन इन्होंने अपने सुझाव में ये कहा कि भाषा के आधार पर किसी राज्य का गठन नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ये भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ होगा। इसकी जाँच के लिए फिर JVPP मतलब जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में एक और समिति गठित की जाती है। ये भी यही मानते हैं कि नहीं भैया, आपकी किस पे 1949 में अपनी रिपोर्ट देते हैं और ये मानते हैं कि नहीं, भाषा के आधार पे राज्यों का गठन करना उचित नहीं है भारत जैसे एक बड़े देश में जिसमें एक बृहद विविधता वाले लोग रहते हैं। फिर यही बात चली रही होती है कि दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा विद्रोह हो जाता है, भाषा के आधार पर राज्यों की मांग बहुत तीव्र रूप धारण कर लेती है और एक व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध होते हैं उस टाइम पे, जिनका नाम रहता है पोट्टी श्री राम उल्लू। उनके 56 दिन के उपवास के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है और जैसे ही मृत्यु होती है तो पूरे भारत पे दंगे फसाद होने लगते हैं, भाषा के आधार पे मांग राज्य की उठने लगती है। जब ये उठती है राज, तो फिर 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश पहला राज्य बनाया जाता है। ये कुछ बात हो गई मतलब इसे भाषाई आयोग से संबंधित, इसलिए बात बता दी गई आपको। फिर आगे चल के जो इनका गठन हो जाता है उसके बाद एक समिति और गठित की जाती है, फजल अली आयोग गठित की जाता है और इन्होंने कहा कि पार्ट ए बी सी डी का जो प्रावधान है उसको हटा दिया जाए और राज्य और केंद्र शासित को लागू किया जाए।
फिर इन्हीं की सिफारिशों पर सातवां संविधान संशोधन अधिनियम आता है और हमारे यहाँ राज्य और केंद्र शासित की संकल्पना आती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति ने सबसे पहले संविधान का प्रारूप कब प्रस्तुत किया? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए फरवरी 1948, ऑप्शन बी अक्टूबर 1948, ऑप्शन सी नवंबर 1948 या ऑप्शन डी नवंबर 1949। जिसका सही जवाब हो जाएगा आपका फरवरी 1948। सबसे पहले प्रारूप समिति ने सभी समितियों के सुझाव को इकट्ठा करके एक प्रारूप तैयार किया और संविधान सभा में प्रस्तुत किया। वो डेट थी फरवरी 1948 की। इसके 8 महीने बाद इस पर पुनः चर्चा के लिए फिर से ये पेश किया जाता है अक्टूबर 1948 में, फिर तीसरी बार नवंबर 1948 में इसको पेश किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन बना के पूरी तरह से तैयार करके, और फिर अंतिम रूप से इसका वाचन किया जाता है नवंबर 1949 में। पहली बार जब सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था तो फरवरी 1948, ध्यान रखिएगा। अगला है, 26 नवंबर 1949 को नागरिकता चुनाव तदर्थ संसद अस्थायी व परिवर्तनशील नियम जैसे कुछ प्रावधान यथा अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 67, 79, 80, 88, 91, 92, 93 इत्यादि को लागू कर दिया जाएगा, यह जिक्र किस अनुच्छेद में मिलता है? यह मिलता है आपके, हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 394, ऑप्शन बी 395, ऑप्शन सी 311 या ऑप्शन डी 366। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 394। 394 में यह लिखा है कि यह अनुच्छेद, मतलब कि 394 साथ ही ये जो 15 अनुच्छेद लिखे हुए, इनको लागू कब से कर दिया जाएगा? 26 नवंबर 1949 से। बाकी इसके अतिरिक्त जितने भी अनुच्छेद हैं उनको लागू किया जाएगा 26 जनवरी 1950 को। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ग्रीक के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी फ्रांस के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति या ऑप्शन डी मिस्र के राष्ट्रपति। तो देखिए, बहुत चर्चा का विषय है गणतंत्र दिवस, चूँकि संविधान सभा जिस दिन लागू हुआ था उसके उपरांत मनाया जाता है, इसलिए यह प्रश्न पूछा गया है कि कौन अतिथि थे। ऐसे प्रश्न कई सारे स्टेट पीसीएस में, कई सारे वनडे एग्जाम में, एसएससी में ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो गणतंत्र दिवस समारोह हुआ उसमें कौन मुख्य अतिथि बनकर आया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांस के राष्ट्रपति। फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे कहाँ पर? 2023 में आपके आए थे मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी, जिनको कहा जाता है। ग्रीक के प्रधानमंत्री आपके आए थे, अभी रॉयल सीमा डायलॉग हुआ था दिल्ली में अभी हाल ही में, उस पर ये अपनी मुख्य अतिथि के रूप में अपनी सदस्यता ग्रहण की थी। किसने? ग्रीक के प्रधानमंत्री ने, रॉयल सीमा डायलॉग में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रांस के राष्ट्रपति। अगले प्रश्न में आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 8 माह, 2 वर्ष 11 माह 8 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन या 3 वर्ष? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत ही आसान सा सवाल था, आप लोग इसमें ज़्यादा फंसिए नहीं। अगले प्रश्न में आते हैं, पाकिस्तानी संविधान सभा गठन कब किया गया? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जुलाई 1948, ऑप्शन बी जुलाई 1947, ऑप्शन सी जुलाई 1946 या ऑप्शन डी अक्टूबर 1947। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जुलाई 1947। देखिए, जो उस टाइम पे हमारे वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन मोहम्मद अली जिन्ना की बात मान करके जुलाई 1947 में पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मांग को स्वीकार कर लेते हैं। कब? जुलाई 1947 में। और आपको पता है, इसके बाद ही हमारी जो भारतीय संविधान सभा थी उसको पुनर्गठित कर दिया जाता है और 389 के स्थान पे 299 सीट निर्धारित की जाती है। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी गुर अगम दास, ऑप्शन सी रघुवीर दास, ऑप्शन डी गणपत राव दानी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू कहाँ से चुन के आए थे? आपके संयुक्त प्रांत से। गुरु अगमदास, रघुवीर और गणपत राव दानी, इनका संबंध कहाँ से था? आपके सीपीएम बरार वाले क्षेत्र से था, जो कहाँ पर संबंध रखते हैं वर्तमान में? मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य मध्य प्रदेश से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी बी पट्टाभि सीतारमैया, ऑप्शन सी निरंजन नाथ बांचू या ऑप्शन डी राजकुमारी अमृत कौर।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजकुमारी अमृत कौर। देखिए सीपीएम बरार से मुख्य रूप से जो चुनकर आया था वो कौन थी, राजकुमारी अमृत कौर, जो आगे चल के आपकी ये उसकी सदस्य भी होती हैं जो मौलिक अधिकारों की अल्पसंख्यकों की समिति बनी होती है उसकी सदस्य भी होती हैं, साथ ही आपकी स्वास्थ्य मंत्री भी बनती है अंतरिम सरकार में। जो जवाहरलाल नेहरू थे ये आपके संयुक्त प्रांत से चुनके हुए आते हैं, बी पट्टाभी सीतारामैया, ये इनका संबंध मध्य प्रदेश से माना जाता है लेकिन राज्यपाल के तौर पे, ना कि संविधान सभा में इनके मध्य प्रदेश से प्रतिनिधित्व के रूप में माना जाता है। निरंजन नाथ वांचू भी मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राजकुमारी अमृत कौर जो सीपीएम बरार से चुनकर आई थी। अगला है, निम्नलिखित में से किस सदस्य का संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए शंकर त्रयंबक धर्माधिकारी, इनको एसटी धर्माधिकारी भी कहा जाता है, ऑप्शन बी पंडित किशोरी मोहन त्रिपाठी, ऑप्शन सी भैयालाल सिंह, या ऑप्शन डी वीटी कृष्णमाचारी। आपको बताना है ये कौन मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, ऐसे व्यक्ति जो संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। अब ये जो प्रश्न है वो मध्य प्रदेश पीसीएस एग्जाम, मध्य प्रदेश व्यापम एग्जाम जो होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो बाकी जो राज्य के लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा हो सकता है कि नई चीज़ लगे, पर मध्य प्रदेश के पीएससी के या फिर मध्य प्रदेश के स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं वन डे एग्ज़ाम होते हैं उनके संबंध में अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हमारे ऑप्शन है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी वीटी कृष्णमाचारी। वीटी कृष्णमाचारी ये आगे चल के संविधान सभा के उपाध्यक्ष बनते हैं, एचसी मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी दोनों संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। संगर त्र्यंबक धर्माधिकारी, पंडित किशोरी मोहन त्रिपाठी, ये दोनों चुन के आते हैं कहाँ से, सीपी एवं बरार से चुन के आते हैं, और भैया लाल सिंह ये चुन के आते हैं आपके विंध्य प्रदेश से। आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार कौन थे। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी बी एन राव, या ऑप्शन डी एल एन मुखर्जी, संविधान सभा के चीफ ड्राफ्ट मैन, चीफ ड्राफ्ट मैन, चीफ ड्राफ्ट मैन कौन थे आपके, एल एन मुखर्जी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एल एन मुखर्जी। अब अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने तैयार किया, तो वहां पर उत्तर हो जाता बी एन राव। अब यहां पूछा है चीफ ड्राफ्ट मैन, तो उत्तर हो जाएगा एल एन मुखर्जी। अगले प्रश्न पे आते हैं, हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का उपाध्यक्ष नहीं रहा है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए फ्रैंक एंथोनी, ऑप्शन बी एस सी मुखर्जी, ऑप्शन सी वीटी कृष्णमाचारी, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पर व्यक्ति के अंदर कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा कि क्या बताऊँ मैं, यहाँ पर उत्तर कौन सा उत्तर होना चाहिए, क्योंकि सर ने तो बताया है कि पहले उपसभापति चुन के आए थे फ्रैंक एंथोनी, फिर 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई तो उसमें आए चुन के कौन आपके एस सी मुखर्जी, फिर आज़ादी के बाद जुलाई 1948 में फिर कौन अध्यक्ष बन जाता है उपाध्यक्ष, वी टी कृष्णमाचारी, अरे फंस गए। और डी में ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, आप सीधा जाइए कि उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब आप ये मत देखिए क्या लिखा हुआ है प्रश्न में, कैसा पूछ रहा है, ऑप्शन डी जो है मैच नहीं कर रहा है, सिंपल सी बात है, ऑप्शन डी में जो शब्द लिखा है वो मैच नहीं कर रहा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, मतलब तीन जो थे वो उपाध्यक्ष रहे हैं, और ये जो ये कोई नाम थोड़ी ना है, ये तो ऑप्शन है। कई बार व्यक्ति ये सोचने लगता है ये तो नाम लिखा हुआ है, मतलब इस आधार पर यह तय कर लेता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं के आधार पर, मतलब कि ये तो नहीं होगा उत्तर, फिर फ्रैंक एंथोनी की ओर चला जाएगा, क्योंकि ये उपसभापति है ना, उपाध्यक्ष देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये अस्थायी उपसभापति थे, उनको उपसभापति को ही उपाध्यक्ष भी कहा जाता है, तो ऐसा कन्फ्यूजन हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन डी मैच नहीं कर रहा है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। यूपीएससी ऐसे प्रश्न पूछता है, नॉर्मली कोई वन डे एग्जाम वाले ऐसे प्रश्न नहीं पूछेंगे, लेकिन शब्दों से घुमाव वाले प्रश्न पूछता है यूपीएससी। अगले प्रश्न पे आते हैं, राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति की अध्यक्षता किसके अधीन थी। ये प्रश्न आ चुका है यूपीएससी में, यूपीएससी इसके संबंध में प्रश्न पूछ चुका है। हमारे ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन डी के एम मुंशी। इसका सही जवाब हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कई लोग बहुत विद्वान बनना चाहेंगे और वो ये बताएंगे नहीं, जो फ्लैग कमेटी थी, झंडा समिति थी, उसकी अध्यक्षता की थी किसने, जो भी कृपलानी ने, ऐसे कई सारे आपको किताबों में मिल जाएगा, लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। यूपीएससी ने
राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति की अध्यक्षता किसके अधीन थी? इस उत्तर इस प्रश्न का उत्तर माना है राजन प्रसाद को। तो राजन प्रसाद सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में आते हैं, जब संविधान सभा की बैठक विधायिका के तौर पर होती थी तो इसकी अध्यक्षता किसके माध्यम से की जाती थी? हमारे ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी राजन प्रसाद या ऑप्शन डी जी वी मावलंकर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जी वी मावलंकर। अब देखिए, संविधान सभा और सरकार दोनों मिलकर काम कर रही थी, संसद के रूप में भी काम कर रही थी और संविधान सभा के रूप में भी काम कर रही थी। जब पूरी संविधान सभा के रूप में संविधान के क्रियाकलाप के लिए काम कर रही थी तो उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? आपकी राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब विधायिका के तौर पे या संसद के तौर पे काम कर रही थी संविधान सभा, अंतरिम सरकार के तौर पे काम कर रही थी, तो उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जी वी मामलंकर। जी वी मामलंकर के बारे में आपने सुना होगा कि जी वी मामलंकर ने जो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे वो कौन है? जी वी मावलंकर। ठीक है, और भी इनके बारे में गांधी टोपी वगैरह त्याग करके इन्होंने वो अध्यक्षता का पद स्वीकार किया था, ऐसे कुछ कथन मिलते हैं। तो वो कथन भी किसके लिए मिलता है? जी वी मावलंकर के लिए मिलता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा में सदस्यों का चयन कितनी जनसंख्या पर प्रति व्यक्तियों को चुना गया था? हमारे ऑप्शन है 10 करोड़, ऑप्शन बी 10 लाख, ऑप्शन सी 10,000 या ऑप्शन डी 100 लाख। तो कई बार क्या होता है कि बहुत आसान प्रश्न पूछ लिया जाता है और व्यक्ति को बनता नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत ही आसान है तो हम उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये तो आसान सवाल है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 लाख। अगले प्रश्न भी आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रेस दीर्घा समिति की अध्यक्षता किसके अधीन थी? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए फ्रैंक एंथोनी, ऑप्शन बी उषा नाथ सेन, ऑप्शन सी नलिन रंजन सरकार या ऑप्शन डी के एम मुंशी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उषा नाथ सेन के अधीन प्रेस दीर्घा समिति थी, जो पूरा उस समय पे न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपते थे, है ना, जो भी न्यूज़ वगैरह चलती थी, चाहे डीडी नेशनल में हो चाहे डीडी न्यूज़ वगैरह में, हालांकि वो था नहीं उस टाइम पे, पर रेडियो के माध्यम से जो भी न्यूज़ जाती थी और पत्रकारिता के माध्यम से जो भी न्यूज़ जाती थी, उसका संचालन, उसका देख रेख उषा नाथ सेन के अधीन था। नलिनी रंजन सरकार के बारे में आपको बता दिया था कि संघीय संविधान के लिए जो वित्तीय प्रावधान था उस समिति की अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? नलिनी रंजन के द्वारा। और के एम मुंशी के बारे में तो आपको बता ही दिया है कि कार्य संचालन समिति की अध्यक्षता इनके द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विजय लक्ष्मी पंडित के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा, सत्य नहीं है पूछा है। हमारे ऑप्शन है, संविधान सभा की सदस्य थी, ठीक है, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र सभा की अध्यक्ष रही या ऑप्शन डी संविधान सभा में इनका चुनाव मध्य प्रदेश से हुआ था। संविधान सभा में इनका चुनाव मध्य प्रदेश से हुआ था। आपको जल्दी से बताना है इसका सही जवाब कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इनका चुनाव यहाँ से नहीं हुआ था, मध्य प्रदेश से ना होकर कहाँ से हुआ था? संयुक्त प्रांत से हुआ था। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा में चयनित 15 महिलाओं में से केवल एक मुस्लिम महिला सदस्य थी, वो कौन थी? हमारे ऑप्शन है, सिकंदर जहां बेगम, ऑप्शन बी सुल्तान जहां बेगम, ऑप्शन सी बेगम एजाज रसूल या ऑप्शन डी शहनवाज बेगम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल जो है आपके संयुक्त प्रांत से चुन के आई थी और पहले ये मुस्लिम लीग की सदस्य थी, पहले मुस्लिम लीग की सदस्य, लेकिन मुस्लिम की सदस्यता छोड़ करके इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो जाती हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो जाती हैं। तो बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की महिलाओं में एकमात्र अनुसूचित जाति की महिला कौन सी थी? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मालती चौधरी, ऑप्शन बी कमला चौधरी, ऑप्शन सी जी दुर्गाबाई या ऑप्शन डी दक्षिणी वेल्यादून। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिणी वेल्यादून। दक्षिण भारत से इनका संबंध माना जाता है और संविधान सभा में टोटल एससी की अगर संख्या की बात की जाए, एससी कितने थे? 26 थे। 26 एससी में से केवल एक महिला थी दक्षिणी वेल्यादून। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
मूल संविधान में कितने प्रावधान थे? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 20 भाग, ऑप्शन बी 395 अनुच्छेद, ऑप्शन सी 8 अनुसूचियां, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आपको पता है कि जब संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था तो उसमें यही चीज़ों को शामिल किया गया था। फिर आगे चल के संशोधन के माध्यम से कई सारे और भाग जुड़ जाते हैं। ये 22 भाग है, ठीक है, 20 भाग नहीं है, 22 भाग है, 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, ठीक है, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। और अगर बात की जाए कि बाद में अनुसूचियों में संशोधन किया गया, पहले संविधान संशोधन के द्वारा ही 9वीं अनुसूची जोड़ दी जाती है, उसके बाद 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ दी जाती है, 73वें और 74वें संविधान के द्वारा 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ दी जाती है। तो बाद में संशोधन हुए थे और आज 12 अनुसूचियाँ हमारे पास, 395 अनुच्छेद है और 22 भाग हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगले और आखिरी प्रश्न पे आज आते हैं, हमारा आखिरी प्रश्न हो गई है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितने देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया था? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 160, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 35 या ऑप्शन डी 395। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 60। हमने कई सारे अपने प्रावधान को अलग अलग देशों के संविधान के प्रावधानों से लिया है, इसीलिए हमारे संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। हालांकि भीमराव अंबेडकर जैसे विद्वानों ने यह कहा कि ये जो उधार का थैला कहना उचित नहीं है, क्योंकि हमने अलग अलग देशों से अगर कोई चीज़ अडॉप्ट की है तो हू बहु उसी प्रकार से नहीं की है, उसमें हमने बहुत सारे संशोधन करके उस चीज़ को स्वीकार की है, और कोई आदर्श स्थिति नहीं थी, ऐसे कोई आदर्श हम चीज़ें निर्माण भी नहीं कर सकते थे। इसलिए एक बेहतर शासन प्रशासन को संचालित करने के लिए, एक बेहतर राज्य के निर्माण के लिए ये आवश्यक था कि हम अन्य देशों के संविधानों का अवलोकन करें। तो दोस्तों, ये हमारी पूरी चर्चा हुई किस पे, संविधान सभा को लेके। हमने संविधान सभा में कितने प्रश्न बन सकते हैं, इसके पहले कौन कौन से प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, हमने सारी चीज़ें कवर कर ली है। अब जो हमारी अगली चर्चा होगी वो हमारी चर्चा होगी मुख्य रूप से भारतीय संविधान के नए पहलुओं पे। हम कोशिश करेंगे कि जो संघीय कार्यपालिका है, ठीक है, उसके उपरांत राष्ट्रपति है, संसद है, सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, उन समस्त बिंदुओं पर हमारे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, उन प्रश्नों पर हम अपनी डीप अध्ययन करने वाले हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप इस प्लेटफॉर्म